कोरोना के इस दौर में देश के कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर संपत्ति जुटाने में लगे हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सात समंदर पार रहकर भी लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। ये मदद झारखंड की राजधानी रांची की बेटी है, जो रांची सहित राज्य के सभी जिलों में मदद पहुंचाने का काम कर रही है। रांची की यह बेटी नीदरलैंड के कुछ युवाओं के साथ मिलकर कोरोना में परेशान लोगों की मदद के लिए एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसमें आपको अस्पताल में खाली बेड की संख्या, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, कोविड टेस्ट समेत अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां एक क्लिक में मिलती है। यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है और सिर्फ 7 दिन में 1000 से अधिक लोगों की मदद की जा चुकी है। नीदरलैंड में रह रही रांची की युवती सीमा बैनर्जी और उनके पति संप्रीत चक्रवर्ती ने डिजिटल covid.in से नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। वहीं सीमा बताती है कि कोविड के पहले दौर में हमने पीएम केयर फंड में भी राशि डोनेट की थी और कई अन्य एनजीओ को भी हमने सहायता उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस बार देश के लिए खुद कुछ करने की जज्बा था, जिसको देखते हुए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। यह एप्लीकेशन के जरिए कोरोना संक्रमित लोगों की हर संभव मदद टीम के लोगों के द्वारा पहुंचाई जा रही है। यह कार्य को करने में हमें काफी सुकून मिलता है और लोगों को हम खुद मदद कर पाते हैं। पिछले साल कोविड के लिए हम लोगों ने डोनेशन किया था, बट इस साल सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा वर्स है और हम लोग डोनेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि हम दोनों ही हेल्थ केयर में काम करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमें लगा कि सिर्फ डोनेशन देके वी के नॉट जस्ट से कि हाँ सब कुछ ठीक से हो जाएगा, हमारा भी एक ड्यूटी बनता है टू हेल्प आवर ओन पीपल। तो हम लोगों ने ये ऐप का प्लेटफॉर्म, वी थॉट ऑफ दिस आइडिया, हमने इसके बारे में सोचा और हम लोग ने बनाया, एंड देन फिर टीम फॉर्म किया रांची में, सम यंग पीपल हु केम फॉरवर्ड, जो सामने आए हेल्प करने के लिए। आइडिया यही था कि अभी करंट सिचुएशन में लोगों को पैसे से ज़्यादा लोगों को स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, एक इंफॉर्मेशन पोर्टल की ज़रूरत है, जहाँ पे जब समय बहुत स्ट्रेसफुल है, जब बहुत दिक्कत वाला समय है, वहाँ लोगों के पास अभी वो सिचुएशन में नहीं रहते वो कि वो वेबसाइट में जाके सर्च करे कि कहाँ पे क्या नंबर है, किसको कांटेक्ट करना है, उनके पास अभी वो सर्विस एक्चुअली अवेलेबल है या नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने ये ऐप बनाया dgcovidseva.in, और इस ऐप में हम लोगों ने कोशिश किया है कि सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रहे, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहे, जो टीम है वो रेगुलरली अपडेट करते रहती है लेटेस्ट इन्फो क्या है। ऑफकोर्स हमारा सोर्स वेरीफाइड थर्ड पार्टी या फिर गवर्नमेंट सोर्सेज ही होते हैं, जहाँ से हम बस एक जगह पे सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू एक ईजी एक्सेस देना चाहते हैं ताकि लोगों के पास ईजी एक्सेस रहे, और जब ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो किसी का तो वो उस ऐप में जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। इसके अलावा भी हम लोग चाहते थे कि वी कम फॉरवर्ड, हम लोग कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, जैसे जिनके पास टाइम नहीं है कॉल करके जानना कि ऑक्सीजन सिलेंडर किनके पास है किनके पास नहीं है, तो वो नीड हेल्प सेक्शन के थ्रू हमसे पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए, क्या आपके पास पता है, क्या आप हमें मदद कर सकते हैं, तो हम अपने वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई करके उनको फिर वापस कॉल करते हैं, फिर उन्हें कनेक्ट करते हैं ताकि उनको वो दिक्कत ना हो कि आप किसी के पास गए और उसके बाद वहाँ से वापस आए और उतना टाइम भी चला गया, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल अभी। तो दिस इन सब के वजह से ये आइडिया आया कि ये करना चाहिए, और हमने वो किया एंड आज इतने लोगों को मदद कर पाए, तो उसके बाद और मोटिवेशन मिलता है कि और कर पाऊँ, और मजबूत टीम बने जिससे हम लोग और लोगों को टच कर सके और लोगों को हेल्प कर सके। तो यही आइडिया है। ये हब उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है जिनके पास अटेंडेंट्स या घर पे जो उनके साथ लोग रहते हैं उनको इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल होता है या फिर उनको ढूंढ के निकालना, तो ये डायरेक्टली इस ऐप में आ सकते हैं और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कि क्योंकि हमने वैसे ही कैटेगराइज करके रखा है कि ताकि आप कोई भी इजीली उसको ढूंढ के उस रिसोर्स तक पहुँच पाए। अगर वैसे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ
तो हम लोगों ने नीड हेल्प सेक्शन भी बना के रखा है ताकि आप हमारे टीम को वो आप बोल सके कि आपको कैसा टाइप का रिसोर्स का हेल्प चाहिए। तब हमारे टीम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको उस रिसोर्स से कनेक्ट करके फिर आपको एसेस भी कर सकते हैं कि आप सही आपको वो रिसोर्स मिला कि नहीं, आप को वो हेल्प मिला कि नहीं। तो इस हिसाब से ये एक प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक एम्पावर द पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प एंड कनेक्ट विद द पीपल हु नीड हेल्प। एंड आई थिंक दैट्स वाई दिस प्लेटफॉर्म इज बींग सो प्रूव्ड सो मच यूजफुल बाई अवर टीम मेट्स हु आर रियली पुटिंग डे एंड नाइट इन टू हेल्पिंग पीपल। और मेरे ख्याल से ये चीज़ हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हमने ये चीज़ देखा कि ये ऐप जो होता है ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे ये वॉलेंटियर्स या फिर जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं ये लोग इजीली सब चीज़ को ढूंढ पाए और इसको सही लोगों तक पहुंचा पाए। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सीमा बैनर्जी और उनके पति और लोगों की मदद कर रहे कुछ युवा और युवती हैं। इस कोरोना की घड़ी में लोगों को मदद पहुंचाना किसी बड़े पुण्य के काम से कम नहीं। रांची सहित झारखंड के अधिकतर जिलों के लोगों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से काफी मदद पहुँचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।